दूसरे हीरो हैं आपका भला करे, एयर कमोडोर नज़ीर लतीफ, जिन्हें बिल लतीफ कहते थे, क्रिश्चियन थे। अच्छा, पढ़े लिखे वालिदैन के जो है बेटे थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 30s में इनके वालिद ने सेक्रेटरी में PhD किया था और FC कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे वो। ये इनका बैकग्राउंड है। जब पार्टीशन हुआ है तो 8th GD में कमीशन इन्हें मिला, लेकिन इतने एक्स्ट्राऑर्डनरी थे कि 7th GD जो इनसे पहले का था, उन्होंने कहा जनाब आप इस लायक नहीं है कि आप इतने जूनियर हैं, आप सीनियोरिटी में आ जाएं। यानी एक 8th GD का कैडेट, उसको उन्होंने 7th GD में प्रमोट कर दिया। इससे इनकी सलाहियत का अंदाज़ा हो सकता है। ये वाहिद फ़ज़ाई जनरल हैं पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में जिन्होंने 2 स्क्वाड्रन, 3 विंग और 2 एयर बेसिस की कमान की। नज़ीर लतीफ़ ने स्क्वाड्रन का मतलब है 16 से 24 तैयारे, विंग का मतलब है 50 से 70 तैयारे, बेस का मतलब है 70 से 120 तैयारे। यानी पाकिस्तानी फ़ज़ाइये का हर पायलट को ये ज़ाती तौर पे जानते थे, या इनके साथ काम कर चुके थे या इनके मातहत काम कर चुके थे। 1964 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, B-57 बॉम्बर, वो एरोबिक्स नहीं कर सकता बॉम्बर, जाहिर है, है ना यार। इन्होंने 4 बॉम्बर्स जो हैं उनका एयर शो में जो है लूप और डायमंड बना के ये अच्छा। और फिर वो उस जमाने के हिसाब से जो है पहला रिकॉर्ड था। 65 में वाहिद जो बॉम्बर विंग था पाकिस्तान के पास, ये उसके चीफ थे, उसके कमांडर थे। और वाहिद जनरल थे, मतलब कमांडर है ना, वो तो पीछे रहना चाहिए ना उसे, ये जनाब तैयारा लेके साथ जाते थे, फ्रंट लाइन कमांडर। और डीप डाउन यानी अंबाला, जो कि बहुत अंदर की तरफ है, आखिरी मिशन इन्होंने वो किया था अंबाला का। अच्छा, उस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इन्हें जो है सितारा जुर्रत दिया गया। 72 में रिटायर हुए, 18 साल जो है ईरान में और उर्दन में, बहरीन में नौकरी वगैरह करते रहे। 2007 में वापस आए इस्लामाबाद, 80 बरस की उम्र थी। जब आए तो रेस्ट हाउस के बाहर टहल रहे थे, कोई स्ट्रे बुलेट आई और ज़ख्मी कर गई थे। उसके बाद ये आँख जो है इनकी एक ज़ाया हो गई, उसके बाद फालिज हुआ, फिर दिल का अटैक हुआ। 30 जून 2013 को इस्लामाबाद में एयरफोर्स मेस में एक कमरे में इंतकाल किया, तन्हा थे। और इस तरह के उस जमाने कई जर्नल थे, गुल हसन, कर्नल मोहम्मद खान, ये सब गुमनाम ज़िंदगी गुजार के चले गए। और एक बात ये भी थी कि उस ज़माने में फौजी था, अभी रियल इस्टेट का काम शुरू नहीं हुआ था। तो ये हमारे हीरोज की कहानियाँ जो आज कल हमारे स्टूडेंट से, वो कहाँ ढूंढें, वो सर मुझे बताइए। बस हम ही बता सकते हैं, निसाब में तो नहीं मिलेंगी ये कहानी। आपने भी कहीं से तो ली है ना, और तो क्या? मतलब ये तो सर्च, मैंने सर्च की है ना कंप्यूटर पे सर्च की है, और उसके अलावा कुछ किताबें वगैरह जो हैं पढ़ी हैं और उस तरह से है। लेकिन ये कि जिसे कहते हैं ना कि कुछ हीरो तो हमारे हाथ लग गए ना, कि जो हम हर साल उनका तस्करा करते हैं, लेकिन ये और बहुत सारे हीरोज हैं जिनकी अगर हम कहानियां पढ़ें, एक से एक दिल को गरमा देने वाली बेगर्ज बेलौस किस्म की कहानी। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मुझे पता ब्रेक का वक्त आ गया है, कि जो भी मौजूदा जंग भी है ना सर, इसमें भी आपको बड़े हीरोज मिलेंगे फ्रंट लाइंस पे, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां भी, उन पे काम करने की जरूरत, उन पे भी काम करने की जरूरत है, और इनके भी नाम हमें याद करने की जरूरत होगी। हाँ, पहले हम ओन तो करें ना, पहले ओन तो हम क्यों नहीं करते, नहीं मतलब नाम आएंगे तो ओन करेंगे ना। हाँ, जाहिर वो जमाने पता नहीं, एनीवे वक्फा ले लेते हैं।